अजी तलबा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक, मैं आपके इस्लामियात का टीचर हूँ। आज हमारा टॉपिक है, जो सबक उनवान है उसका नाम है दुआ की अहमियत और फजीलत। और आज हमने इस सबक के मुश्किल मुख्तसर सवालात लिखने हैं। अजीज तलबा, मैं मुख्तसर सवालात और उसके जवाब ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी नोटबुक के ऊपर इनको नोट करते जाएं, ताकि इम्तहान की तैयारी के अंदर आपके लिए आसानी हो। तो सवाल नंबर एक, अल्लाह ताला से दुआ मांगना किसके मुतरादिफ है? क्वेश्चन है, अल्लाह ताला से दुआ मांगना किसके मुतरादिफ है? तो इसका जवाब है, अल्लाह ताला से दुआ ना मांगना तकब्बुर के मुतरादिफ है। तो इसका जवाब है मेरा सवाल नंबर का कि अल्लाह ताला से दुआ ना मांगना किसके मुतरादिफ है। तो इसका जवाब है, अल्लाह ताला से दुआ ना मांगना तकब्बुर के मुतरादिफ है। अब सवाल नंबर दो, सवाल नंबर दो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दुआ मांगा करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दुआ मांगा करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दुआ मांगा करते थे? तो इसका जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान करते करते फिर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र बजा लाते और आखिर में अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत पेश करते। तो अजी तलबा, सवाल नंबर दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से किस तरह दुआ मांगा करते थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दुआ मांगा करते थे? तो इसका जवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करते, फिर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र बजा लाते,
और आखिर में अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत पेश करते हैं। तो आगे बेटा आपने दो सवाल अपनी कॉपी पर नोट कर लिए। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 नोट कर लें, सवाल नंबर 3 नोट कर लें। अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो क्या किया जाए? अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो क्या किया जाए? क्वेश्चन है कि अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो क्या किया जाए। तो इसका जवाब है, अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो बेसब्री का मुजाहरा ना किया जाए। बल्कि बार बार दुआ की जाए। अभी अलावा सवाल नंबर 3, अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो क्या किया जाए? इसका आंसर है, अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो बेसब्री का मुजाहरा ना किया जाए बल्कि बार बार दुआ की जाए। तो आगे है सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है, दुआ मांगते वक्त दिल में क्या यकीन रखना चाहिए? दुआ मांगते वक्त क्या यकीन रखना चाहिए? तो इसका जवाब है, इसका जवाब है कि दिल में पुख्ता यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को जरूर कबूल करेगा। दिल में पुख्ता यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को जरूर करेगा। तो बेटा ये आज हमने मश्की सवाल आज पढ़े। सवाल नंबर 4 का आंसर क्या है? उसको रिपीट करते हैं। सवाल नंबर 4 को, दुआ मांगते वक्त दिल में क्या यकीन रखना चाहिए? जवाब उसका होगा, दिल में पुख्ता यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को जरूर कबूल करेगा। तो ये आज हमारे मुख्तसर सवाल थे जो हमने कॉपी वर्क के तौर पर किए हैं। अजीज तलबा, सवाल अब हम लिखते हैं कॉपी के ऊपर, सवाल नंबर 5।
सवाल नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ कसरत से करते थे? हमारा क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ कसरत से मांगा करते थे? कसरत से मांगा करते थे, तो इसका जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कसरत से करते थे कि ऐ परवरदिगार नेमत अता फरमा और आखरत में भी नेमत अता फरमा और दोजख दोजख के अजाब से महफूज रख। तो ये है हमारे पांचवें सवाल का जवाब। पांचवा सवाल क्या है? आप सल्लम कौन सी दुआ कसरत से मांगा करते थे? तो जवाब है आप सल्लम ये दुआ कसरत से मांगा करते थे, क्या परवरदिगार हमें दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत अता फरमा और दोज़ख के अज़ाब से महफूज रख। ये थे आज का हमारा लेक्चर, हमने मुख्तसर सवाल किए। वमा अलैना इल्लल बलाग।